आमिर को और आपको लेके काफ़ी जो है बहस भी जारी है, सोशल मीडिया पे तस्वीरें भी वायरल हो रही हैं, तो किस तरह देख रहे हैं आमिर का, किस तरह आपने सामना करना है, क्या स्ट्रेटजी बनाई हुई है कि आमिर को किस तरह फेस करना है? काफ़ी फॉर्म के अंदर है अभी, BPL भी उन्होंने खेली और लीग्स खेल रहे हैं, तो काफ़ी स्पीड भी उन्होंने ग्रो कर लिया है, तो क्या कहेंगे? देखिए, मैंने पहले भी बोला है, कंपटीशन रहता है, आप किसी भी टीम के अगेंस्ट आप खेलते हैं, उनके पास हर टीम के पास क्वालिटी बॉलर्स हैं, इवन के कराची के नहीं पास है, इवन का हर टीम के पास अपने लोकल बॉलर्स जो हैं वो क्वालिटी बॉलर्स हैं, वन ऑफ द बेस्ट बॉलर्स हैं, इसलिए PSL में सब आके खेलते हैं, क्योंकि क्वालिटी चीज़ें मिलती हैं, क्वालिटी बॉलिंग मिलती है, क्वालिटी बैटिंग मिलती है, तो उनसे काफ़ी हेल्प मिलती है। और जब भी किसी भी क्वालिटी बॉलर के अगेंस्ट आप खेलते हैं, तो आप जिस तरह बाकी बॉलर्स के अगेंस्ट खेलता हूँ और वैसे ही हर बॉलर के अगेंस्ट कोशिश, मेरा प्लान वही होता है, जो मेरी बेसिक है, जो मेरा चीज़ें हैं, और उसको मैं लेके चलता हूँ। और पाकिस्तान भारत प्रेशर तो नहीं ज़्यादा मैच? नहीं सर, प्रेशर तो सर कोशिश करते हैं कि जितना चीज़ों को सिंपल रखें, ओवरकम चीज़ों को सोचें तो ज़्यादा अच्छा है। ऑन द डे बैट एंड बॉल का गेम होता है, और उसमें कोशिश करता हूँ कि जो मेरी स्ट्रेंथ है या जो मैंने प्रैक्टिस की है उसको अप्लाई किया जाए। मेरे ख्याल से हर टीम के साथ ये कंपटीशन चलता है, और मेरे ख्याल से ये चीज़ें चलनी चाहिए बिफोर द PSL। आप PSL में एक्साइटमेंट बढ़ती है, और इससे आपको ओपोनेंट के साथ खेलने का भी मज़ा आता है, ये नहीं कि सिर्फ कराची के साथ, मुल्तान, कराची, लाहौर और इस्लामाबाद से भी जितने भी हैं वो सारे प्लेयर्स एक दूसरे के अगेंस्ट जम के खेलते हैं और लड़के खेलते हैं, और कोशिश करते हैं कि अपनी फ्रेंचाइज को जिताएं। और मेरा भी यही है कि मेरा जलमी से पहला साल, और मैं कोशिश करूंगा कि अच्छी क्रिकेट खेलूं और जीतने की कोशिश करूं। प्रैक्टिस हर चीज़ की करता हूं, ये नहीं कि मैं सिर्फ लेग स्पिन के लिए करता हूं, मैं हर एक अपना जो मेरा चीज़ें हैं उसको मैं टिक करता हूं, हर दिन डिफरेंट प्रैक्टिस करता हूं। देखें, किसी भी सिचुएशन में कुछ भी आ सकता है, और मेरे ख्याल से आपको हर चीज़ के लिए रेडी होना चाहिए, और मैं उस चीज़ की प्रैक्टिस करता हूँ। स्पिनर्स की आपको पता है एशिया में ज़्यादा होती है, बनिस्बत फास्ट बॉलर कम मिलते हैं, आपको स्पिनर्स ज़्यादा मिलते हैं, तो उसकी मैं ज़रा प्रैक्टिस ज़्यादा कर रहा था। तो दोस्तों, वीडियो आप सब लोगों ने देख ली, फाइनली आपको सबको जो बाबर आजम और मोहम्मद आमिर की जो स्टोरी है उसका तो पता होगा, और बाबर आजम और मोहम्मद आमिर के बीच में एक जो जंग है वो जारी है। आए दिन जो है मोहम्मद आमिर के एक अजीब से स्टेटमेंट आते रहते हैं बाबर आजम के बारे में, और अभी रिसेंटली PSL के कराची किंग्स और जो पिशावर जर्मी के मैच से पहले जो एक स्टेटमेंट थी मोहम्मद आमिर की, मोहम्मद आमिर ने बोला था कि बाबर आजम को आउट करना और टैलेंटर्स को आउट करना मेरे लिए एक मतलब सेम ही बात है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो मोहम्मद आमिर नो डाउट एक ज़बरदस्त बॉलर हैं, लेकिन बाबर आजम हमारे हीरो हैं, तो मोहम्मद आमिर को थोड़ा सा रिस्पेक्ट करनी चाहिए बाबर आजम की। नो डाउट मोहम्मद आमिर तो वर्ल्ड क्लास बॉलर है ही, मैं मोहम्मद आमिर की दिल से इज्जत करता हूँ, लेकिन मोहम्मद आमिर को ऐसे स्टेटमेंट्स नहीं देने चाहिए। आई डोंट नो कि मोहम्मद आमिर ऐसे स्टेटमेंट्स क्यों देते हैं अगेंस्ट बाबर आजम, क्या लॉजिक है और क्या ये चल रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे बुरा लगता है। मैं मोहम्मद आमिर का एक, मैं खुद मोहम्मद आमिर का फ़ैन हूँ, तो बाबर आजम एक बड़ा प्लेयर है और अभी पाकिस्तान के एक हीरो हैं, जो आगे एक कह लें कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बैक बोन हैं, तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, वो हमें हमारी टीम को लीड कर रहे हैं, बाबर आजम हमारे कैप्टन भी हैं। तो बस आई होप वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई हो तो लाइक लाजमी कर देना, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, अपना बहुत सारा ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़। और अगर आप बाबर आजम या मोहम्मद आमिर के फ़ैन हैं तो कमेंट में लाजमी बताना, और आपको बाबर आजम और मोहम्मद आमिर में कौन पसंद है वो भी लाजमी बताना।